Today's session is about the HCF. This video will be in bilingual, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में ट्राई करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. तो आज का जो सेशन है वो HCF है, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. मतलब लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम HCF कैसे निकालते हैं, हाउ टू फाइंड द HCF बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू नो कि व्हाट इज HCF. HCF इज स्टैंड फॉर हाईएस्ट, सी स्टैंड फॉर कॉमन, एफ स्टैंड फॉर फैक्टर. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. नाउ व्हाट इज कॉमन? कॉमन एक से अधिक नंबर्स में कॉमन होता है. मतलब कोई एक नंबर दिया है तो इसका HCF नहीं निकल सकता जब तक कि एक से अधिक नंबर ना हो. जैसे कि 15 है और 25, देन वी कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर इन बिटवीन दिस. सो वी कैन फाइंड द HCF मोर देन टू नंबर ऑल्सो, दैट आई विल ऑल्सो लेट यू नो. सो आर टेकिंग फर्स्ट एग्जाम्पल, टेक एनी नंबर, सपोज 30 एंड 45. अब हमें इन दोनों के बीच कॉमन फैक्टर्स यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. तो ये दो नंबर हैं, तो इसमें देखेंगे हम कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है. तो वी फाइंड दैट 45 इज अ बिगेस्ट नंबर, सो वी राइट 45 एंड वी विल डिवाइड इट बाय 30. छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करना है यहां पर. तो हमने 30 को बाहर लिखा है और बड़ा नंबर जो है ये अंदर लिखा है. सो वी विल डिवाइड. तो ये वंस टाइम जाएगा, 30 वंस 30. नाउ 5 0 5, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1. द रिमाइंडर इज 15. दिस इज नोन एज रिमाइंडर. दिस इज नोन एज कोटिएंट. जो ऊपर का हिस्सा होता है ये इसे कोटिएंट कहते हैं. एंड दिस इज डिवाइजर. दिस जिससे हम डिवाइड करते हैं ये डिवाइजर बोला जाता है. दिस इज फॉर योर एडिशनल नॉलेज. एंड जो अंदर जिसको हम डिवाइड करते हैं वो डिविडेंड बोला जाता है. ये तो आपको चारों चीज पता होनी चाहिए. दिस नंबर इज नोन एज रिमाइंडर, दिस नंबर इज नोन एज कोटिएंट, दिस नंबर इज नोन एज डिवाइजर एंड दिस नंबर इज नोन एज डिविडेंड. सो हमें इसे तब तक डिवाइड करना है जब तक हम जीरो ना मिल जाए हमें. सो नाउ 15 इज रिमाइंडर एंड 30 इज व्हाट? डिवाइजर. सो विल टेक इट एज अ डिवाइजर एंड 30 विल राइट ओवर हियर. विल फर्दर डिवाइड इट अंटिल वी डोंट गेट जीरो. तो 15 2 जा 30, नाउ विल गेट जीरो, मीन्स देयर शुड बी नो रिमाइंडर. सो नाउ वी हैव फाइंड दिस एज अ कॉमन फैक्टर इन बिटवीन दीज टू. सो 15, सो HCF ऑफ 30 एंड 45 इज 15. सो 15 इज द कॉमन फैक्टर ऑफ 30 एंड 45, मीन्स दिस इज द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर of 30 and 45. Means when we will divide the 30 and 45 by 15, there will be no remainder, means there will be zero as a remainder and whole number will be divided equally. For example, we'll divide the 30 by 15, there will be 2 as a quotient. Let's see, 15 divided by 30, 15 2's are 30, there is no remainder. And we take a 45, so divide by 15, 15 3s are 45, there is no remainder, means 0. So 15 is the common, highest common factor of
30 and 45. Now we are taking one more example of three numbers. This is, we have taken two numbers. Now we'll discuss with the three numbers, different three numbers. तीन नंबर के साथ आपको करके दिखा देंगे जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा. So this is known as long division method. Long division method. One is another method is known as prime factorization method. That will be discussed. Will be discussed in next video. So now we are taking one more example, second one of three numbers. Let's say we taking 105, 110 and 130. We have taken three different numbers. हमने तीन अलग अलग numbers ले लिए हैं. अब इसका हम HCF यानी highest common factor निकालेंगे. मतलब ऐसा कौन सा number है जो तीनों को divide कर देगा बिना किसी remainder के. That will be highest common factor. तीनों का common होगा जो. तो common factor कभी एक number में नहीं निकलता. जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके लिए दो number चाहिए कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा कई सारे number हो सकते हैं. तो now two numbers, any two numbers for finding HCF. हम कोई भी दो number ले लेंगे HCF लेने के लिए, प्राप्त करने के लिए. तो हम ले लेते हैं, सबसे पहले स्टेप होगा कोई दो नंबर चूज करना है, कोई भी ले सकते हैं, हम उसे ले रहे हैं. तो हम ले लेते हैं यहाँ पर 110 एंड 105 का पहले हम HCF निकालेंगे. सो फाइंड द HCF ऑफ 105 एंड 110. सो अब इसमें वी हैव टू सी दैट विच नंबर इज बिगेस्ट. सो we are seeing that 110 is bigger than 105, so 110 will be dividend and 105 will be your divisor. So 105 hai, ye 110 hai, ye once times jayega, oneza 105, oneza 105. Now we have to minus this 10 minus 5 is 5. जीरो बचेगा यहाँ पे, फाइव इधर जीरो, जीरो मीन्स माइनस जीरो जीरो, वन माइनस जीरो जीरो, वी गेट द रिमाइंडर फाइव. नाउ विल डिवाइड 105 दिस नंबर विद द फाइव. 105 विल बी हियर दिस नंबर एंड विल डिवाइड विद द फाइव. फाइव टू ज टेन, जीरो जीरो, विल फाइव को नीचे उतार देंगे एंड फाइव वन ज फाइव, जीरो. नाउ रिमाइंडर इज जीरो. सो वी हैव फाइंड द HCF इन दीज टू नंबर्स. सो दिस इज द HCF वी हैव फाइंड. नाउ विल टेक दिस नंबर एंड द रिमेनिंग नंबर. दिस इज द रिमेनिंग नंबर वी हैव फाइंड द, हमने इसका जो है HCF निकाल लिया है ये दो नंबर्स का. अब ये बचा हुआ था तो अब इसको हम ले लेंगे 130, और ये जो 5 है इसका, दोनों का हम निकालेंगे. तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे 130 को. वी हैव टू डिवाइड 130 विद द 5, लास्ट रिमाइंडर, लास्ट HCF. 5 टू ज़ 10, माइनस 3 माइनस 0 3, 1 माइनस 0, 0 को यहां पे उतार देंगे. 5 ज़ 30, सो 0 एंड 0. So we have find the common factor in 130 and 05 is also 05, यानी 5. तो हमने देखा कि तीनों नंबर का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो 5 है. पहले दो नंबर ले लिए हमने, कोई भी, बड़े वाले को अंदर में लिख दिया, छोटे वाले से हमने उसको डिवाइड कर दिया, और जब तक जीरो नहीं आ गया हमने इसको कर लिया डिवाइड. तो जो लास्ट हमारा ये नंबर, हमें जो लास्ट डिवाइजर मिलता है ये हमारा HCF होता है ये दो नंबर का. तो दो नंबर का हमें मिल गया है. अब तीसरा नंबर निकालने के लिए तीसरा नंबर लेंगे, और लास्ट जो हमने HCF मिला था उसको, दोनों को हम HCF निकाल लेंगे. तो इन दोनों का HCF यहाँ पे 5 ही आ गया है, क्योंकि ये 5 से डिवाइड होके 0 हो गया है, यानी रिमाइंडर जो है वो 0 मिला है.
So 5, so HCF of 105, 110 and 130 is equals to 5. So this will be your answer. Hopefully you have understood this session. HCF by long division method means highest common factor. This is known as long division method. तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा. डू सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग. थैंक यू सो मच. सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो. थैंक यू.